हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? मॉमीज, आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रेगनेंसी में आमूमन सारी महिलाओं को होती है, या यूं कहें 98% महिलाओं को तो होती ही हैं, और ये प्रॉब्लम है हेयर फॉल की। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर प्रेगनेंसी में हेयर फॉल होता क्यों है, इसका क्या इलाज है। मॉमीज, प्रेगनेंसी में हेयर फॉल होना बहुत कॉमन बात है, और ये होता इसीलिए है कि हमारे अंदर हार्मोनल बदलाव होता है और कई बार न्यूट्रिएंट की कमी भी हो जाती है, जिससे हमारा हेयर बहुत ज्यादा लॉस होता है। इसीलिए कई आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी में ना फोलिक एसिड, ना वाइटामिन सी, वाइटामिन ए, वाइटामिन, मल्टी वाइटामिन, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होने देना, क्योंकि उसका असर बेबी पे तो पड़ेगा, सीधा हमारे बालों पे, स्किन पे, बॉडी पे जरूर पड़ेगा, इसीलिए हमारा हेयर फॉल होता है। आप अपने प्रोटीन का बहुत ध्यान रखिए, प्रोटीन इनटेक का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि बालों का झड़ना सीधा सीधा कनेक्ट करता है प्रोटीन से। अगर आपके बालों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में होगा तो वो हेयर फॉल होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको प्रोटीन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोटीन का ध्यान रखने के लिए हम क्या करें। प्रोटीन तो मैंने आपको एक वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि प्रोटीन हमारी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दरअसल प्रोटीन ही है जो हमारे वेट को मेंटेन करता है, जो हमारे बेबी वेट को मेंटेन करता है और हेल्दी वे में उसको गेन करता है। प्रोटीन आप ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में प्रोटीन होता है, जितने भी सीरियल्स हैं, दाल है, अरहर दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, उसके बाद मसूर की दाल, काली दाल, इन सब दालों में प्रोटीन होता है। कोई घबराने की बात नहीं है। अगर कोई कहे कि प्रेगनेंसी में आपको मलका की दाल नहीं खानी, मसूर की दाल नहीं खानी, तो आप खा सकते हैं, बेफिक्र होकर खाइए। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि अपने जो बालों में हमेशा उसको ऑयलिंग करते रहें। रूखे सूखे खुले बाल छोड़ देंगे तो देखिए वो तो वैसे भी झड़ेंगे, प्रेगनेंसी हो या ना हो। इसलिए अपने बालों के नरिशमेंट का बहुत ध्यान रखिए, हमेशा मतलब हर अल्टरनेट डेज पे उसकी ऑयलिंग करिए। एक दो जैसे हेयर मास्क है वो भी लगा सकते हैं। जैसे मैं अपनी प्रेगनेंसी में प्याज का मास्क लगाती थी, प्याज को कद्दूकस कर लिया और उसके पानी को मतलब निचोड़ के और उसको अच्छे से अपने पूरी रात में अच्छे से टिप्स के जरिए अपने स्कैल्प पर मसाज की, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। इससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन होगा तो आपके बाल भी टूटेंगे नहीं। तो इसीलिए मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करें और अपने बालों को टूटने से बचाएं, और अल्टरनेट डेज हमेशा ऑयलिंग करें, चाहे कोई भी तेल हो, कोकोनट ऑयल हो या ऑलिव ऑयल हो, जो भी तेल आपको सूट करता है उस तेल से आप लगातार ऑयल करें। और ये बहुत मम्मीज कंफ्यूज होती हैं कि हम स्पा करा सकते हैं, नहीं, बिल्कुल कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप स्पा भी करा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो नेचुरल वे में ही जाएं, नेचुरल तरीके अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं अपनी प्रेगनेंसी में मैं शैम्पू, वैसे जो केमिकल से शैम्पू होते हैं मैं वो यूज़ नहीं करती। मैं आयुर्वेदिक या कोई भी ऐसे शैम्पू जो मेरी मदर इन लॉ घर पर ही बना लेती हैं तो वो मैं यूज़ करती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं बाज़ार से ख़रीदा हुआ शैम्पू इस्तेमाल ना करूँ। ये रीठा होता है, आंवला होता है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों को अच्छा हेल्दी रखने के लिए। मैं अपने बालों के लिए, मैंने आपको बताया, प्याज का मैं पैक लगाती थी हफ्ते में एक बार, जिससे मेरा हेयर फॉल बहुत कंट्रोल हुआ था, ऑयलिंग भी करती थी, जिससे मेरे बाल भी काफ़ी अच्छे शाइनी हुए थे और हेयर फॉल भी नहीं हुआ था। तो आप भी ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं और प्रेगनेंसी में अपने हेयर फॉल को रोक सकते हैं। तो मम्मीज़, आज का वीडियो कैसा लगा? और अगर आप भी हेयर फॉल से परेशान हैं तो आप प्याज का पैक लगा सकते हैं और ऑयलिंग भी अपने बालों की कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। NBT लाइफ को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। We'll be right back.